हेलो एवरीवान सो आज का वीडियो इज अ वेरी वेरी ग्रैंड वीडियो आप सभी के लिए बिकॉज आज एक इस तरह का मेकअप लुक सीखेंगे जो आप सारे टाइप्स के ब्राइड पे कर सके लाइक चाहे मुस्लिम ब्राइड हो जाए चाहे इंडियन ब्राइड चाहे महाराष्ट्रियन ब्राइड या एनी ब्राइड साउथ इंडियन ब्राइड ये एक ऐसा मेकअप लुक है जो आप सारे टाइप्स के ब्राइडल्स को दे सकते हो उसके साथ ही साथ आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे रिगार्डिंग कि मैम हमारा बेस जो है पैची हो जाता है हमारा बेस जो है ब्लैक हो जाता है ग्रे हो जाता है फट जाता है तो मैम प्लीज़ हेल्प मी आउट कि हम कैसे उसे ठीक करें सो आज का वीडियो में हम आपको यह सिखाने वाले हैं कि ऐसी क्या चीजें करें ऐसी क्या चीजें फॉलो करें कौन से प्रोडक्ट ऐसे हम यूज कर सकते हैं जिससे हमारा जो मेकअप है वो परफेक्टली फ्लॉलेस दिखे और हमारे पोर्स ना दिखे हमारा मेकअप ब्लैक ना हो सो so, मेकअप नॉर्मली ब्लैक होता है हम लोग सोचते हैं कि फाउंडेशन हमारा खराब है इसलिए ब्लैक होता है बट ऐसा नहीं है अगर आपका स्किन प्रैप अच्छा है तो आपका मेकअप बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा सो so, आज हम ध्यान देने वाले स्पेशली ऑन द स्किन प्रैप सो लेट्स बिगिन गाइज यहां पे आप लोग देख सकते हो बिफोर मेकअप जिसमें आपको पोर्स दिख रहे होंगे और काफी सारे यू कैन सी कि जो है डिस्कलरेशन है स्किन भी अनिविन है सो so, जो स्किन प्रेप का जो पहला स्टेप होता है वो होता है हमारा फेस पे क्लिन क्लींजिंग करना और जो क्लिनजिंग होनी चाहिए वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए बिल्कुल भी फेस पे डस्ट नहीं होनी चाहिए जैसे कि आप लोग देख सकते हो उसके बाद आप एक कोई भी अच्छा सा टोनर यूज़ कर सकते हैं कोई भी अच्छा टोनर आपके स्किन के अकॉर्डिंग और उसके बाद आपके पास होना चाहिए एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ पर्पल ब्रांड का मॉइस्चराइजर च आई लाइक डू वेरी वेरी मच नेक्स्ट में एक बहुत ही प्रीमियम और लग्जरी प्रोडक्ट आपको दिखाने वाली हूँ जो मैं लास्ट ट्वेंटी डेज से खुद पे यूज करी थी लेकिन आज मैं आप लोगों को रिकमेंड करी हूँ वो प्रोडक्ट जिस जो है ये पर्पल का ट्वेंटी फोर के गोल्ड प्राइमर सो so, ये प्राइमर में सबसे पहले तो क्या स्पेशलिटी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये प्राइमर के अंदर 100 परसेंट गोल्ड पार्टिकल्स है उसके साथ ही साथ इसके यूजेस बहुत ही अच्छे हैं फर्स्टली ये बहुत ही अच्छे से आपके अगर आपका ऑयली स्किन है तो ये बहुत ही अच्छे से आपका ऑयल कंट्रोल कर लेगा फेस पे आपको एक मैट फिनिश देगा आपकी जो अनइवन स्किन है उसे इविन करेगा और उसके साथ ही साथ आपके मेकअप को बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग करेगा आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे ही आपने बिफोर के बाद आफ्टर देखा किस तरह से जो स्किन थी वो एकदम स्मूद हो गई थी तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आप सभी लोगों को होगा कि अगर एक आप अफोर्डेबल रेंज में प्राइमर लेना चाहते हैं तो इसके साथ जा सकते हैं एज आई लव इट वेरी वेरी मच मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आया है एंड उसके बाद कंसीलर लगाने के बाद यहाँ पे हम फाउंडेशन यूज कर रहे हैं और क्योंकि आज एकदम नेचुरल मेकअप यहाँ पे मैं कर रही हूँ तो मैंने एकदम नेचुरल शेड का फाउंडेशन लिया बिल्कुल भी फेयर नहीं कर रही हूँ मैं सो so, अभी बेसिकली uh, अगर आप मैं सिंपली एक चीज़ मैं आप लोगों को समझाऊं कि कंसीलर uh, और फाउंडेशन स्किन में तभी अच्छे से, से सेट होगा जब आपका स्किन प्रेप यानी कि आपका क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर एंड प्राइमर प्रॉपर हो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ प्राइमर जो आप बिल्कुल भी नहीं भूल सकते एंड uh, अगर आप एकदम नॉर्मल अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप प्राइमर लेना चाह रहे हैं जितने भी बिगिनर्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो इस प्राइमर के साथ बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं सो so, यहाँ पे मैं फेस हाइलाइटिंग यूज़ करी हूँ उसके लिए आप लोग देख सकते हो जो फेस के हाइलाइटिंग एरियाज है वहीं पे मैंने जो है स्किन से वन टू टू शेड लाइटर मैंने यहाँ पे कंसीलर अप्लाई किया है आप चाहे तो ये स्टेप जो है वो नहीं भी करेंगे तो भी फाइन है क्योंकि काफ़ी सारी हमारी ब्राइट्स ऐसी होती हैं जिन्हें एकदम नेचुरल मेकअप पसंद होता है तो उनके लिए आप ये स्टेप को जो स्किप कर सकते हैं नाउ द थिंग की कॉन्टोर कैसे करना है तो कॉन्टोर आपने देखा होगा मैंने कितना ईजी वे में करा है आई यूज अ पाउडर ब्राउन्जर मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है और एक ब्रश की हेल्प से मैंने सिर्फ एक वी शेप बनाया है और मैंने कॉन्टोर किया हुआ है इस वीडियो में सबसे स्पेशल चीज होने वाली है वो होने वाला है लाइनर क्योंकि मैं एक इतने इजी वे में आपको आई सिखाने वाली हूं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इतना इजी भी कभी लाइनर हो सकता है क्या तो लाइनर वाला पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा क्योंकि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है और डायरेक्टली लाइनर पर कोई भी नहीं जाएगा ठीक है आप पूरा वीडियो अच्छे से देखोगे क्योंकि अगर हमारा बेस अच्छा नहीं होगा तो हमारा आई मेकअप अच्छा नहीं लगेगा सो मेकअप में हर हाँ चीज़ परफेक्ट होनी जरूरी है यहाँ पे ब्लश ऑन मैंने यूज़ किया उसके बाद हम लूज पाउडर से अच्छे से जो हमारा बेस है उसे सेट करें क्योंकि बेस सेट नहीं होगा तो हमारा जो मेकअप है वो खराब हो सकता है उसके बाद जो लूज पाउडर की क्वांटिटी आप लोग देख सकते हो मैं कितनी कम क्वांटिटी यूज़ करती हूँ तो ज़्यादा अगर आप लूज पाउडर यूज़ करेंगे तो आपका जो मेकअप है वो बहुत ही पाउडरी और अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि आजकल सभी को ऐसा ग्लॉसी शाइनी मेकअप पसंद है, है कि नहीं शाइनी मेकअप पसंद आप बताओ वेल वेल एक क्वेश्चन है मेरा कि मेकअप जब हम करते हैं तो मेकअप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि यार इस पार्ट के बिना हम मेकअप नहीं कर सकते वॉट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन मेकअप सो so, देखते हैं आप में से कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं क्योंकि मुझे तो पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मेकअप की एज मैं काफी साल से इस इंडस्ट्री में हूँ तो कमेंट डाउन कि आपको कौन सी ऐसी चीज है जो यू नो मेकअप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके बिना हम नहीं कर सकते मेकअप ऐसा यहाँ पे हम करने जा रहे हैं आई मेकअप स्टार्ट उसके पहले अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा और जितने लोग मेरी जो चैनल है मेरा ये जो वीडियो है पहली बार देख रहे हो तो बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाइएगा यार प्लीज तो so, यहाँ पे आईब्रो डिफाइन करने के बाद हम लोग आई मेकअप जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं आई मेकअप बहुत ही क्विक और ईजी होने वाला है और आप एक ही बार में ये आई मेकअप इजीली अचीव कर सकते हैं नाउ यहाँ पे मैं यूज करी हूँ व्हाइट आई बेस व्हाइट आई बेस आप यूज करोगे तो ईजिली जो आपके आई है वो लग जाएंगे एंड अगर इस वीडियो के पीछे की मैं हिस्ट्री बताऊ ना आपको तो ये जो बेस मैंने बनाया हुआ है वो डेढ़ घंटे पहले मैंने बनाया उसके बाद हम लोग आई मेकअप स्टार्ट करे थे क्योंकि बीच में मैं कुछ काम पे लगी थी लेकिन ये जो बेस इतना लॉन्ग लास्टिंग रहा है आई मस्ट से आई लव द प्राइम ऑफ वेरी वेरी मच एक्चुअली सो ये सब लोग देख सकते हो बेस अभी भी कितना परफेक्ट लग रहा है नाउ यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया एक डार्क ब्राउन कलर से आपने हमेशा देखा होगा कि मैं लाइट कलर से स्टार्ट करती हूँ लेकिन आज पहली बार मैंने डार्क ब्राउन कलर से स्टार्ट किया तो होना ना हो कुछ ना कुछ इजी या अच्छा ही हम लोग करने वाले हैं फिर वो डार्क ब्राउन कलर को लगा के मैं उसे ब्लेंड आउट करी हूँ एक ऑरेंज कलर के आई के साथ थोड़ा ध्यान से करिएगा ज्यादा कलर्स मत लीजिएगा नहीं तो बहुत डार्क जो है आपका आई मेकअप हो जाएगा अच्छे से उसको ब्लेंड करना है प्रॉपरली उसके बाद यहाँ पे एक गोल्डन शिमर आई लिया है और क्या किया उसे अच्छे से मैंने डेप कर दिया है आई बॉल पे सेम दूसरी तरफ गोल्डन कलर का ये आई है दिस इज नॉट अ ग्लिटर और नथिंग सिर्फ आई मैंने यहाँ पे लिया हुआ है और आई शडो लेने के बाद अगर आपकी ब्राइड ग्लिटर लवर है तो आप ग्लिटर एड ऑन कर सकते हैं बट अगर आपकी ब्राइड को सिर्फ थोड़ा सा शिमर टाइप का कुछ चाहिए तो मैंने बस थोड़ा सा शिमर लगाया विच इज़ आर क्वीन डायमंड पिगमेंट तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है थोड़ा सा डायमंड पिगमेंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है क्योंकि मैं सोच रही थी यार ग्लिटर बहुत ज्यादा हो गया तो ग्लिटर को स्किप करते हैं और कुछ नया करते हैं सो दैट्स वाई अब यहाँ पे जो लाइनर मैं आपको बोल रही थी वो ये रहा मैंने क्या किया बॉबी बॉ सॉरी बॉबी ब्राउन बोल रही हूँ देख रहे हो मेकअप का फीवर दिमाग में चढ़ गया है बॉबी पिन मैंने ली है उसमें मैंने ना थोड़ा सा लिक्विड लाइनर लगाया और उसी से मैंने गाइडलाइन बना ली लाइनर की आई मस्ट से इतना काम आया है हार्डली थर्टी फाइव सेकेंड लगे मुझे दोनों तरफ लाइनर लगाने में And see, see, see. I think, uh, आप लोगों को सबको ये ट्राई करना चाहिए और मुझे ट्राई करके जरूर बताना कि ये हैक आपको कैसा लगा और आज से मैं ट्राई करूंगी कि मैं मेरी सारी वीडियोज में कुछ ना कुछ हैक्स आपको सिखाऊं सो so, आपको चाहिए कि मैं हैक आपको बताऊं टिप्स ट्रिक्स और वो सारी चीजें सो so, ये बहुत ही अच्छे से मुझे काम आया एंड आई लिटरली लव इट तो जितने भी फ्रेशर्स है गाइज अब हम लाइनर से बिल्कुल नहीं डरेंगे बिकॉज अब हम लाइनर कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लैक काजल यूज़ किया अच्छा जब भी आपको आपका मेकअप लुक जो है ना थोड़ा सटल दिखाना हो ना तो हमेशा ब्लैक काजल यूज करो क्योंकि अगर मैं व्हाइट काजल यूज करती तो मेरा जो मेकअप लुक है वो थोड़ा लाउड हो जाता बट अगर आप पाकिस्तानी ब्राइड कर रहे हैं या मुस्लिम ब्राइड कर रहे हैं तो आप व्हाइट का जो लगा सकते हैं तो उससे क्या होगा लुक एकदम चेंज होगा और वो बोल्ड भी बहुत अच्छा लुक दिखेगा तो इस तरह से आप लुक्स चेंजेस कर सकते हैं उसके बाद मैंने जल लाइनर क्या किया लोअर एश लाइन पर लगाया और उसे ब्लेंड आउट कर दिया ग्रीन कलर के आई शडो से क्योंकि जो हमारी ज्वेलरी है ना वो थोड़ी डिफरेंट कलर की मैंने इसमें ली हुई है और क्योंकि अभी ट्रेंड आ गया है कि भाई एकदम बेसिक ज्वेलरी बेसिक मेकअप सब कुछ बेसिक चाहिए आलिया भट्ट के मेकअप के बाद से ये सब हो चुका है फिर मेरी ब्राइड बोले कि मुझे एकदम न्यूट्रल लिपस्टिक चाहिए प्लीज़ रेड मत दीजिएगा तो मैंने बोला चलो न्यूट्रल लिपस्टिक अच्छा बताओ बेस मेकअप कैसा लग रहा है कॉमेंट डाउन लेटमी नो ले 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 कि क्या ये वाले बेस मेकअप में आपको कुछ नया लगा और मेरे को ऐसा लगता है कि ये शायद पहला ही मेरे पूरे चैनल पर एक ऐसा मेकअप लुक लूगा जिसमें मैंने एकदम 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 नेचुरल मेकअप किया हुआ एंड आई होप आपको ये नेचुरल मेकअप बहुत ही पसंद आया होगा और पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो का वैसे अभी वीडियो पूरा नहीं हुआ है थोड़ा सा वेट करना है अभी हमारी लिपस्टिक बाकी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन दिस मेकअप फिर मैंने लैशेस लगाया वैसे मुझे थोड़ी सर्दी हो गई है लाइक बहुत गजब वेदर चल रहा है एक्चुअली यहां पे लिपस्टिक मैंने यूज की है एकदम न्यूड ब्राउन कलर की लिपस्टिक यूज की है वैसे 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 डोंट कि अगर आपका स्किन प्रैप अच्छा है तो आपका मेकअप इसी तरह दिखेगा जिस तरह से मेरा मेकअप दिख रहा है तो अगर आप मेरे यूज किए हुए कोई भी प्रोडक्ट आप देखना चाहते हैं अगर आप स्पेशली पर्पल ट्वेंटी के गोल्ड प्राइमर बाय करना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है जस्ट अपन द डिस्क्रिप्शन और बाय करने में बिल्कुल भी खिचखिचाएगा मत बहुत ही अमेजिंग प्राइमर है एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी और पसंद आई हो सब्सक्राइब लाइक एंड कॉमेंट एंड डोट फर्गेट टू डू प्रैक्टिस यून नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हो वो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि कौन सा नया लुक देखना चाहते हो मैं जल्दी नए नए लुक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूं तब तक प्लेज स्टे ट्यून एन एंड एन गुड बाय